नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक उत्तर प्रदेश जो सिविल एसआई है आपकी, उसी परीक्षा को लेकर के धांधलियों की तमाम आपके हर दिन आपकी अफवाहें और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी, और वो सच भी है क्योंकि कई अभ्यर्थियों के जो अंक आए हैं, कई अभ्यर्थियों के द्वारा जो सही किए गए प्रश्न हैं, वह प्रश्न आपके 160 में से 152, 155, 156 हैं। इन्हीं को लेकर के सारे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है, बहुत मेहनत की और उनके अंक आपके 190 से लेकर के 110 के बीच में आ रहे हैं, 90 से 120 के बीच में आ रहे हैं। और जिन्होंने जो है पीटी में उनके मार्क्स के बारे में जो है देखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके 152 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 160 में से, और उनके पीटी में मार्क्स आपके 18 आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, 32 मार्क्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसे माध्यमिक आपका शिक्षा परिषद वाला अभी मामला आया था, जूनियर एडेड वाला मामला, उसमें भी आपका एक बच्चा था जो 32 नंबर सही किया था और वहाँ पर उसके प्रश्न सबसे ज़्यादा सही हुए थे। तो धांधली कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होती है। इसी को लेकर के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और उस याचिका पर अभी सुनवाई होना बाकी है। सुनवाई होगी पहले दिन, तो कोर्ट अगर देखता है कि जो तथ्य पेश किए गए, इससे पहले भी जो है अशोक खरे से कुछ बच्चे मिलने गए थे, वो वीडियो भी फेसबुक पर जो है आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर उन्होंने भी बातें की थी कि आप एविडेंस दीजिए और लाइन वाइज बनाइए कि आप क्या चाहते हैं। तो यहां पर जो ये आपकी रिट डाली गई है, इस रिट को लेकर के क्या चीजें हैं, धांधली को लेकर के याचिका दाखिल की गई लेकिन इसमें बच्चे इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ फिर जो लोग इसमें इस तरीके से अंक अर्जित किए हैं उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जितने लोग अभी तक फंसे हैं उन सभी पर एक जांच बननी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो जब यहां बात करते हैं इसको किसकी जो है देख रेख में ये याचिका पड़ी है, तो ये वकील है डॉक्टर जो है एडवोकेट सुनील, इन्हीं की आपके देख रेख में याचिका डाली गई है। और ये पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो आपके परीक्षा सेंटर के अंदर मोबाइल फोन से फोटो खींचने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और आपका जो है साथ ही साथ उस समय जो आपकी वीएनसी ऐप से सेंटर पर जो है उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर स्क्रीन को सेंटर से बाहर बैठे गिरोह के द्वारा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम के द्वारा शेयर कर प्रश्न पत्र हल कर हाई स्कोर प्राप्त करने का मामला सामने आया। अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ के द्वारा परीक्षा कराए जाने हेतु टेंडर दिए जाने के बाद मुंबई की जो प्राइवेट कंपनी जिसने आपकी परीक्षा कराई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड NSEIT ने इस पर धांधली का आरोप लगा। अभी इसको मध्य प्रदेश में बैन किया गया है, इस एजेंसी को मध्य प्रदेश में बैन किया गया है, वहां पर भी इस पर धांधली के आरोप लगे हैं और उत्तर प्रदेश में भी आपके लगे हैं। यहां पर जो आपका तथ्य बनाया गया है जिस आधार पर डाली गई है, देखो यहां जितने भी बच्चे मिल रहे हैं इसमें, सारे के सारे जिनके हाई स्कोर है सारे बच्चे मेरठ के हैं, ठीक है, मेरठ के सारे बच्चे हैं जिनके हाई स्कोर है, और उधर ही सेंटर पर आपकी धांधली भी बहुत हुई है और वहां पर धांधली की आम बातें, आपकी हर परीक्षा में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश धांधली के मामले में ज्यादा सक्रिय रहा है, वो कहने की बात नहीं, वहां से बहुत सारे सॉल्वर आपके पकड़े भी गए हैं इससे पहले भी विभिन्न परीक्षाओं में। प्रवीण कुमार जिनका जिनका नाम उसमें इन्होंने दर्ज किया है, प्रवीण कुमार ये मेरठ का है, इसका जो है पीटी पे में अंक 100 में से 18 नंबर पीटी में इनको मिला था, और इनके सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 160 में 131 क्वेश्चन सही किए हैं, जिसको पीटी में 100 में से 18 जो है क्वेश्चन सही हो वो 160 में से 131 क्वेश्चन सही करता है उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा में। दूसरी चीज जो है इसने क्या किया है, इसने कुछ 13 प्रश्नों को साफ साफ छोड़ दिया है, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, 13 प्रश्न फिर भी इसने छोड़ दिए हैं, ठीक है, अब किस आधार पर छोड़ा। ऐसे ही एक लड़का प्रतीक चौधरी है, ठीक है, आगरा का है, इसके पीटी में स्कोर 37.50 रहे और सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इनके 155 क्वेश्चन सही आ रहे, 160 में से 5 क्वेश्चन पता नहीं क्यों इन्होंने जो है छोड़ दिया है। ऐसे आगरा का एक लड़का अनूप शर्मा है, इसके 154 जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं एसआई में, और आलोक सरतिया ये मेरठ का लड़का है, इसके 153 सही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, विवेक यादव मेरठ का लड़का है, 153 इसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं एसआई में। तो ये जितने भी आपके स्कोर आ रहे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, ऐसा याचिका में डाला गया है, ठीक है। और
इसमें यह कहा गया है कि साइबर गैंग के द्वारा कई सैकड़ों लोगों को फर्जीवाड़ा कर परीक्षा दिलाई गई है, और आरोप है कि 10 से 15 लाख लेकर कंपनी और परीक्षा सेंटर के साथ मिलकर वीएनसी ऐप या सर्वर के द्वारा प्रश्न पत्र हैक किया जाता था। इससे पहले भी आपके कई जगहों पर मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं। अगर ये चीजें जो है कोर्ट के सामने तथ्य अच्छे रख दिए गए, ठीक है, जैसे साइबर गैंग जो पकड़ा गया था उसने ये बात खुद कबूली थी, जैसे एक तो आपका पकड़ा गया था कि जहां मेन सर्वर रूम था वहां से पड़ोसी के घर में रूम लेकर के वो जो है वो मेन लाइन से कनेक्ट करके पेपर सॉल्व करता था, वो तो पकड़ा ही गया था किराए के मकान पे। ऐसे कई जगहों पर जहां पर लोग पकड़े गए हैं उन सभी जगहों पर चीजें जो तथ्य हैं, एविडेंस है, वो ठीक ठाक है। अगर इस जो है एक अच्छे वकील के मार्गदर्शन में चीजें गई हैं तो मुझे लगता है ये याचिका जरूर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। और याचिका अगर एक्सेप्ट होती है, प्रूफ अच्छा ये दे ले गए, वहीं जो लड़के उनसे अशोक खरे से मिले थे, एडवोकेट अशोक खरे से, उन्होंने भी जो है जितने भी बच्चे उसमें डिमांड कर रहे थे कि सर इसमें इस हिसाब से है, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि आप मुझे जो है जितने भी आप एविडेंस दे सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर सिस्टम हैक हुआ है तो अगर आपके पास कहीं से स्क्रीनशॉट उसका शेयर हो रहा है तो वो स्क्रीनशॉट लगाइए, साथ ही साथ जहां जहां धांधली हुई है उन सभी की न्यूज़ की कटिंग एक तरीके से इकट्ठा करिए, और आपको क्या क्या मांगे हैं उन मांगों को आप पॉइंट वाइज लिखिए, फिर मुझसे मुलाकात करिए, ठीक है। तो याचिका में कई सारे बच्चे हैं, और ये जो याचिका है इस याचिका में भी आपके कई जो है बच्चों ने एक साथ मिलके डाला है, और फेसबुक वगैरह पर तो आप लोग देख ही रहे हैं जहां पर तमाम तरीके की आ रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, याचिका में अधिवक्ता सुनील चौधरी ने जो है इसके खिलाफ, जो आपकी कंपनी है जिसने पेपर कराया है, इसके खिलाफ धांधली का आरोप लगा, और मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर 2021 की बात है, अभी मध्य प्रदेश ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वहां पर भी इस पर धांधली के बहुत सारे आरोप लगे हैं। अब कुछ बच्चों का मैं देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि ये फेक है, ये न्यूज़पेपर पता नहीं कौन सा है, तो उन लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ये सुनील चौधरी का ट्विटर हैंडल है, वहां का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है, साफ साफ आप देख सकते हैं ये कोई फेक न्यूज नहीं है, याचिका पढ़ चुकी है। और कुछ बच्चे जो है याचिका अशोक खरे के पास भी गए हैं, वो भी याचिका आपकी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये भर्ती अब आपकी रुकने वाली है। हालांकि जो लोग फिजिकल, अभी याचिका पर कहीं नहीं कहा जा सकता है, अगर कोर्ट को तथ्य अच्छे नहीं लगे तो सीधा खारिज कर देगी याचिका, डालने का मतलब केस एक्सेप्ट नहीं होता, आप सारे लोग जानते हैं, याचिका एक्सेप्ट होती है जब कोर्ट को लगेगा कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण इस भर्ती में धांधली के अस्पष्ट संकेत देते हैं, तो याचिका पर आपकी आगे कार्यवाही होगी, नहीं तो याचिकाएं बहुत बढ़ती रहती हैं और वो कैंसिल होती है। जो लोग अपनी रनिंग वगैरह दे रहे वो रनिंग देते रहे, आगे जिनको अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर जो है स्टार्ट करनी है तो संकल्प बैच नीचे आपका कॉर्नर में दिख रहा होगा जिसमें 6 कोर्सेस कवर हो रहे, कल उसके बारे में वीडियो भी आपके चैनल पर पड़ी है, उसको देखिए और अपनी जो है दिशा को आगे बढ़ाते रहें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जबर जो है बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना उचित नहीं होता है, आप सारे लोग, मैं सभी की जो है इस समय मनोदशा समझता हूँ, जो लोग पेपर देकर आए हैं, अच्छी मेहनत करके आए हैं और उनके साथ ऐसा मजाक किया गया, वाकई ये तनिक भी बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके बाहर रह के रूम लेके सिर्फ एसआई की तैयारी करने वाले हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे फ़ोन पर बात होती है, वो बताओ मतलब कई सालों से उनसे, जब से 16 वाली वैकेंसी उसके बाद उनका सपना है कि सर हम एसआई की तैयारी करेंगे, और वो बाकायदा एसआई की तैयारी में लगे थे, अब वो जब पेपर दे के आए हैं तो उनके लगभग 116-110 ऐसे प्रश्न सही हो रहे हैं, और जिस हिसाब से ये अंक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो संशय में है। बहरहाल इस पर जिस दिन सुनवाई होगी और कोर्ट क्या डिसीजन देता है उसके बारे में आगे अपडेट दूंगा। चैनल को पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी परीक्षा प्लस के जुड़ जाइए जहां पर अन्य सूचनाएं कोई ऐसी प्राप्त होती हैं तो आपको जानकारी देता रहूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, अन्य अपडेट के लिए आपको जल्द ही कोई अन्य चीज़ों के बारे में बताऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।